तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रॉ मेटल्स फॉर फोटोसिंथेसिस से। ओके सो लेट्स बिगिन। द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या मतलब हुआ? द फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा, प्लांट्स के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के प्रिपरेशन को रिक्वायर्स टू मेटल्स। मतलब उसके प्रिपरेशन में, प्लांट्स के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के प्रिपरेशन में दो मटेरियल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की ज़रूरत होती है, की आवश्यकता होती है। क्या चीज़ में? तो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में। दस द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नाउ we discuss how these two raw materials become available to plants for photosynthesis. तो अब हम लोग जानते हैं कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फोटोसिंथेसिस के लिए, प्लांट्स के लिए अवेलेबल होते हैं। तो क्वेश्चन है, हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे हासिल करते हैं। तो देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ टैनिंग पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स ऑफ प्लांट्स। क्या मतलब हुआ? तो प्लांट्स के लीव्स के सतह पर बहुत सारे, बहुत संख्या में या बड़ी संख्या में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे स्टोमाटा कहते हैं, और स्टोमाटा को हिंदी बोलते हैं हम लोग रंध्र छिद्र। द ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर्स द लीव्स ऑफ द प्लांट। फिर क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट्स के लीव्स में इंटर करता है, मतलब प्रवेश करता है थ्रू द स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस। किसके थ्रू? तो उसकी सतह पर मौजूद स्टोमाटा से। इच स्टोमेटल पोर और स्टोमा इज सराउंडेड बाय पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। किससे घिरे होते हैं वो? तो गार्ड सेल्स से। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स इज कंट्रोल्ड बाय द गार्ड सेल्स। क्या मतलब हुआ? आखिर इसके गार्ड सेल के क्या ये कैरेक्टर होते हैं, क्या उनके रोल्स होते हैं? तो रोल्स ये होते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर इज कंट्रोल्ड बाय द गार्ड सेल्स। तो व्हेन वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल्स दे स्वेल। व्हेन वाटर फ्लोज दे स्वेल बिकम कर्व्ड एंड कॉज द पोर टू ओपन। और उसके कारण पोर यानी छिद्र खुल जाते हैं। ऑन द अदर हैंड व्हेन द गार्ड सेल्स लूज वाटर दे श्रिंक, वे सिकुड़ जाते हैं, बिकम स्ट्रेट। जैसे उसमें क्या होता है कि व्हेन वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल दे स्वेल बिकम कर्व्ड एंड कॉज द पोर टू ओपन। बट अब यहाँ क्या हो रहा है कि व्हेन द गार्ड सेल्स लूज वाटर, जब वाटर लूज कर देता है गार्ड सेल्स, तो वे श्रिंक हो जाते हैं, स्ट्रेट एंड क्लोज द स्टोमेटल पोर, और स्टोमेटल पोर को क्लोज कर देते हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो लॉस्ट फ्रॉम द सेल्स ऑफ द प्लांट लीव्स थ्रू ओपन स्टोमेटल पोर्स। और क्या होता है इसके अलावे? तो बड़ी मात्रा में वाटर भी लॉस्ट होते हैं फ्रॉम द सेल्स ऑफ द प्लांट लिप्स, प्लांट लिप्स के सेल्स से। और किसके थ्रू? तो ओपन स्टोमेटल पोर्स के थ्रू। सो व्हेन द प्लांट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वांट्स टू कंजर्व वाटर द स्टोमेटल पोर्स आर क्लोज्ड। यानी जब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है एंड वांट्स टू कंजर्व वाटर,
और जब वाटर को कंजर्व करना चाहता है तो द स्टोमेटल पोर्स आर क्लोज्ड, तो स्टोमेटल पोर्स क्लोज हो जाते हैं। द ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑल्सो गोज आउट थ्रू द स्टोमेटल पोर्स ऑफ द लिप्स। फिर फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस्ड हुए ऑक्सीजन गैस भी बाहर चले जाते हैं थ्रू द स्टोमेटल पोर्स ऑफ द लिप्स। ओके, इन एडिशन टू लिप्स, पत्तियों के अलावा द स्टोमाटा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ग्रीन स्टेम्स ऑफ अ प्लांट। स्टोमाटा प्लांट्स के ग्रीन स्टेम में भी मौजूद होते हैं। सो द ग्रीन स्टेम्स ऑफ प्लांट ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, और इसलिए ग्रीन स्टेम भी फोटोसिंथेसिस को कैरी करते हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अवर डिस्कशन दैट स्टोमाटा अलाउ द मूवमेंट ऑफ गैसेस इन एंड आउट ऑफ प्लांट सेल्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? फाइनल ये डिक्लेरेशन, ये कंक्लूजन ये हुआ कि स्टोमाटा अलाउ द मूवमेंट ऑफ गैसेस इन एंड आउट ऑफ द प्लांट सेल्स, यानी प्लांट सेल से अंदर और बाहर गैसों के मूवमेंट को अलाउ करता है। इन अदर वर्ड्स द गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमाटा एंड लिप्स। और दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज लिप्स में मौजूद स्टोमाटा के थ्रू होते हैं। किसके थ्रू? स्टोमाटा के थ्रू। नाउ द स्टोमाटा इन मोस्ट ब्रॉड लिप्ड प्लांट्स स्टोमाटा अकर ओनली इन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, बट इन नैरो लिप्ड प्लांट्स द स्टोमाटा आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द लीफ, अनदर पॉइंट टू बी नोटिस दैट एक्वेटिक प्लांट्स यूज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व इन वाटर फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। और अब उससे आगे, द एक्वेटिक प्लांट्स यूज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व इन वाटर, यानी वो पानी में घुले हुए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से कोई प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। अब उसके बाद आता है हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या मतलब हुआ? तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर किस प्रकार ऑब्टेन करते हैं? देन वी अंडरस्टैंड द वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस इज अब्सॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। यानी फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स के द्वारा आवश्यक वाटर प्लांट्स के जड़ों के द्वारा, प्लांट्स के रूट्स के द्वारा, फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से यानी मिट्टी से, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस यानी ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? तो वाटर एब्जॉर्ब किए जाते हैं बाय द रूट्स। और कौन से प्रोसेस? थ्रू ऑस्मोसिस। द वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड थ्रू द जाइलम वेसल्स टू द लिप्स वेयर इट रीचेज द फोटोसिंथेटिक सेल्स एंड यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस। अब क्या होता है कि प्लांट्स के रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब वाटर ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड, ऊपर की ओर वो ट्रांसपोर्ट होता है। किसके थ्रू? तो जाइलम वेसल्स के थ्रू। और कहाँ जाती है वो? तो पत्ते तक। वेयर इट रीचेज द फोटोसिंथेटिक सेल्स, जहाँ यह फोटोसिंथेटिक सेल तक पहुँचती है और फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज होती है। द टू रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स टू प्रिपेयर एनर्जी फूड्स कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब दो रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ज़रूरत होती है।
किसके द्वारा? तो बाय द प्लांट्स एंड पौधों को दो रॉ मेटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जरूरत होती है टू प्रिपेयर इनर्जी फूड कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। बट द प्लांट्स ऑल्सो नीड अदर रॉ मेटेरियल्स सच एज नाइट्रोजन फॉस्फोरस आयरन एंड मैग्नीशियम ईटीसी फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। लेकिन प्लांट्स को अन्य रॉ मेटेरियल्स जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस आयरन और मैग्नीशियम इत्यादि की भी जरूरत होती है फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी, अपने बॉडी का निर्माण करने के लिए। द प्लांट्स टेक मेटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस आयरन मैग्नीशियम ईटीसी फ्रॉम द सॉइल। और ये सारे रॉ मटेरियल्स प्लांट्स सॉइल से प्राप्त करते हैं। ओके, द प्लांट्स टेक अप नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स कॉल्ड नाइट्रेट्स और इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब हम लोग बात करते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की, यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्लेस कहाँ होता है, किस जगह, किस प्लेस पर, किस रीजन में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो वह उसका जवाब क्या होगा? तो क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट आर द ऑर्गेनल्स इन द सेल्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ये क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स होते हैं इन द सेल्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स विच कंटेन क्लोरोफिल एंड वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होते हैं और जहाँ फोटोसिंथेसिस होती है। ओके, तो ये था साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और अब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। तो अब उसमें सबसे पहले बात करते हैं कि एनिमल्स मतलब अपना फूड किस प्रकार ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पर प्लांट्स से या फिर अदर एनिमल्स से एनिमल्स अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो सिंस एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, दे डिपेंड ऑन रेडीमेड फूड। क्योंकि एनिमल्स अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, इसलिए वो रेडीमेड फूड पर डिपेंड करते हैं। दिस रेडीमेड फूड कम्स आइदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम अदर एनिमल्स। ये रेडीमेड फूड या तो प्लांट्स से या फिर अदर एनिमल्स से आते हैं। द एनिमल्स दस एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। इस प्रकार एनिमल्स अपना भोजन प्लांट्स से या फिर अन एनिमल्स से प्राप्त करते हैं। वी ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एनिमल्स। हम सभी क्या हैं? तो एनिमल्स हैं। वी ऑब्टेन द फूड्स लाइक वीट राइस पल्सेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स। हम सभी भोजन किससे प्राप्त करते हैं? तो वीट राइस पल्सेस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से। एंड द फूड्स लाइक मिल्क कर्ड चीज एंड एग्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम एनिमल्स। और ये सारी चीज़ें तो एनिमल से प्राप्त होती हैं। सम पीपल ऑल्सो ईट मीट चिकन एंड फिश एज फूड। और कुछ लोग भोजन के रूप में मीट चिकन फिश भी खाते हैं। दिस फूड्स आर ऑल्सो ऑब्टेंड फ्रॉम एनिमल्स। और ये फूड भी एनिमल्स से प्राप्त होते हैं। मेनी अदर एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड बाय ईटिंग द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। अनेक अन्य जानवर दूसरे जानवरों का मांस खाकर, बाइटिंग द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों का मांस खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फिश बर्ड्स स्नैक्स इंसेक्ट ऑल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर एनिमल्स। ये सभी दूसरे जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। द बिग फिश इट्स स्मॉल फिश, द बर्ड्स इट वर्म्स एंड इंसेक्ट। क्या मतलब हुआ? तो बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाती हैं, पक्षियाँ यानी बर्ड्स कीड़े मकोड़ों को खाती है। द स्नैक्स इट्स फ्रॉक्स, सांप मेढक खाता है। एंड द इंसेक्ट इट डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स। और इंसेक्ट जानवरों के मृत शरीर को खाता है, मरे हुए शरीर को खाता है। द नन ग्रीन प्लांट्स विच कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और नन ग्रीन प्लांट्स जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ऑल्सो ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स।
वे भी दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स से भोजन प्राप्त करते हैं। ईस्ट प्लांट इज वन सच एग्जाम्पल। इवन द प्लांट्स कैन ईट इंसेक्ट, यहाँ तक कि प्लांट्स भी इंसेक्ट को खाते हैं या खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द पीचर प्लांट एंड द विनस फ्लाई ट्रैप आर द टू प्लांट्स विच ईट इंसेक्ट, जो इंसेक्ट खाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फूड हैबिट के आधार पर एनिमल्स को कितने भागों में, कितने समूहों में, कितने ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। तो ऑल द एनिमल्स कैन बी डिवाइड इन टू थ्री ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स। ऑल द एनिमल्स कैन बी डिवाइड इन टू थ्री ग्रुप्स, वो कौन सा? हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस, यानी शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। और अब बात करते हैं हम लोग हर्बीवोरस की, यानी शाकाहारी की। तो सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स, कुछ एनिमल्स केवल प्लांट्स खाते हैं। दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस, वैसे एनिमल्स जो केवल प्लांट्स खाते हैं, वैसे दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स जो केवल प्लांट्स खाते हो आर कॉल्ड हर्बीवोरस। द हर्बीवोरस में ईट ग्रासेस, लीव्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स और द बार्क ऑफ ट्रीज। हर्बीवोरस ग्रास, लीव्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स और ट्रीज के बाग, यानी पेड़ों की छाल खा सकते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बीवोरस आर गॉट, काउ, बफेलो, सॉ सॉरी सीप, हॉर्स, डियर, कैमल, एस, ऑक्स, एलिफेंट, मंकी, स्क्वायरल, ये सभी क्या हैं? तो हर्बीवोरस के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ रैबिट, ग्रास हॉपर, हिपोपोटामस, ये सभी क्या हैं? तो हर्बीवोरस हैं। काउ इज कॉल्ड हर्बीवोरस बिकॉज इट इट ईट्स ओनली प्लांट्स एज फूड। काउ को एक हर्बीवोरस कहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये केवल प्लांट्स को खाता है एज फूड, यानी भोजन के रूप में केवल प्लांट्स खाता है। दस हर्बीवोरस आर प्लांट ईटर्स, और इस प्रकार हर्बीवोरस प्लांट ईटर्स होते हैं, यानी पौधे खाने वाले होते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं कार्निवोरस की। तो सम एनिमल्स ईट ओनली अदर एनिमल्स, कुछ एनिमल्स केवल दूसरे जानवरों को खाते हैं। दे डू नॉट ईट प्लांट फूड एट ऑल, वे बिल्कुल ही प्लांट फूड नहीं खाते हैं। दोज एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स एज फूड, जो भोजन के रूप में केवल दूसरे जानवरों को खाते हैं, आर कॉल्ड कार्निवोरस। कार्निवोरस ईट ओनली द मीट, कार्निवोरस केवल मीट खाते हैं। ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों का मीट खाते हैं। सो वी कैन ऑल्सो से दैट दोज एनिमल्स विच ईट ओनली द मीट ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस, यानी वैसे जानवर जो केवल दूसरे जानवरों का भोजन खाते हों उन्हें कार्निवोरस कहा जाता है। दस वी कैन से दैट कार्निवोरस आर मीट ईटर्स। कार्निवोरस क्या होते हैं? तो मीट ईटर्स, यानी मांस खाने वाले होते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं ओमनीवोरस की, यानी सर्वाहारी। सर्वाहारी सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स एज फूड, कुछ एनिमल्स भोजन ग्रुप में प्लांट्स के साथ साथ अदर एनिमल्स को भी खाते हैं। तो दोज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो दोनों ही प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हो आर कॉल्ड ओमनीवोरस, उन्हें ओमनीवोरस कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स द ओमनीवोरस ईट प्लांट्स फूड एज वेल एज द मीट ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे शब्दों में ओमनीवोरस फूड के साथ साथ मीट भी खाते हैं। तो सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ओमनीवोरस आर मैन, कुछ एग्जाम्पल्स में पहला आता नाम आता है तो मैन का, यानी ह्यूमन बींग, मनुष्य। डॉग, क्रॉ, स्पैरो, बियर, मैना एंड एंट। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ओमनीवोरस आर मैन, ह्यूमन बींग्स, डॉग, क्रॉ, स्पैरो, बियर, मैना एंड एंट। मैन इज कॉल्ड एन ओमनीवोरस बिकॉज ही ईट्स द प्लांट फूड एज वेल एज द मीट ऑफ एनिमल्स। मैन को एक ओमनीवोरस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह प्लांट फूड के साथ साथ द मीट ऑफ एनिमल्स ये भी खाता है। और अब हम लोग
डिफिनेशन में आते हैं, न्यूट्रिशन क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। द तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड देन यूजिंग इट फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। क्या मतलब हुआ, तो भोजन के प्राप्त करने की प्रक्रिया को शॉर्टकट में हम लोग बोल सकते हैं कि भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया न्यूट्रिशन कहलाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में पोषण। यानी बोलेंगे यहाँ पर भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया एंड देन यूजिंग इट फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी और एनर्जी ग्रोथ और बॉडी के रिपेयर के लिए इस्तेमाल करने की प्रक्रिया न्यूट्रिशन कहलाती है। नाउ डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब हम लोग बात करते हैं एनिमल्स में न्यूट्रिशन के प्रोसेस में अलग अलग स्टेप्स, आखिर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं क्या चीज़ में इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के प्रोसेस में। इसमें सबसे पहला जो स्टेप आता है वो इंगेशन, मतलब निगलना। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एनर्जी नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड कैरी ऑन लाइफ एक्टिविटीज़, यानी ग्रोथ और लाइफ एक्टिविटीज़ को कैरी करने के लिए नेसेसरी एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए करने क्रम में वी मस्ट ईट फूड एंड टेक फूड इन टू द बॉडी। हम लोग को अवश्य भोजन करना चाहिए और टेक फूड इन टू द बॉडी या बॉडी के अंदर और टेक फूड इन टू द बॉडी या फिर हमें बॉडी में भोजन लेना चाहिए, यानी शरीर के अंदर भोजन लेना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं डेफिनेशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी, यानी बॉडी के अंदर भोजन लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इंगेशन कहलाती है। इन मोस्ट सिंपल टर्म्स इंगेशन मीन्स ईटिंग ऑफ फूड, ईटिंग ऑफ फूड, इंगेशन मीन्स ईटिंग ऑफ फूड बाय द एनिमल। व्हेन यू पुट फूड इन टू आवर माउथ विद हैंड्स वी आर इंगेसिंग, मतलब जब हम लोग अपने भोजन को अपने हाथ से अपने मुंह में अपने हाथ से भोजन डालते हैं तो वी आर इंगेसिंग द फूड, तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, तो भोजन को निगल रहे होते हैं। उसके बाद आता है डाइजेशन, डाइजेशन मतलब पाचन। द फूड ऑफ मोस्ट एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ लार्ज एनिमल्स लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स विच कैन नॉट बी कैरीड बाय द कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय द एनिमल्स बॉडी इन दिस फॉर्म। क्या मतलब हुआ, तो अधिकांश जानवरों का भोजन बहुत इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है विच कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय द एनिमल्स बॉडी इन दिस फॉर्म, जो एनिमल्स की बॉडी द्वारा इस रूप में अब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है। सो बिफोर द फूड कैन बी यूज्ड बाय द एनिमल फॉर वेरियस फंक्शंस, मतलब इसलिए अलग अलग फंक्शंस जैसे लाइक गेटिंग एनर्जी और फॉर ग्रोथ या फिर एनर्जी गेट एनर्जी प्राप्त करने के लिए या फिर गॉड प्राप्त करने के लिए ग्रोथ प्राप्त करने के लिए। भोजन से पहले बिफोर द फूड कैन बी यूज्ड बाय एनिमल्स, मतलब पशुओं के द्वारा जानवरों के द्वारा भोजन इस्तेमाल करने से पहले इट मस्ट बी ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। The process in which the food containing large insoluble molecules is broken down into small water-soluble molecules is called digestion. तो अब हम लोग बात करेंगे digestion की, तो बोलेंगे the process यानी वह प्रोसेस यानी वह प्रक्रिया in which जिसमें the food containing large insoluble molecules जिसमें भोजन में बहुत बड़ी संख्या में large insoluble molecules होते हैं। द प्रोसेस इन विद द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन, मतलब पाचन। और अब हम लोग बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की, यानी अवशोषण। तो आफ्टर डाइजेशन द फूड मॉलिक्यूल्स बिकम स्मॉल एंड इनसॉल्युबल, अब आगे हम लोग बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की।
क्या मतलब हुआ? तो आफ्टर डाइजेशन, डाइजेशन के बाद फूड मॉलिक्यूल्स बिकम स्मॉल एंड सॉल्यूबल। फूड क्या हो जाते हैं? स्मॉल एंड सॉल्यूबल हो जाते हैं, घुलनशील हो जाते हैं। क्या चीज़? तो फूड मॉलिक्यूल्स। द सॉल्यूबल फूड मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू द वॉल्स ऑफ और इंटेस्टाइन। क्या मतलब हुआ? तो सॉल्यूबल फूड मॉलिक्यूल्स वो पास कर सकते हैं किससे? तो थ्रू द वॉल्स ऑफ आवर इंटेस्टाइन गोइंग टू ब्लड, और वो ब्लड में जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ डिफिनेशन दे सकते हैं, द प्रोसेस इन विच, यानी वह प्रोसेस जिसमें डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टिनल वॉल से होकर डाइजेस्टेड होती है, मतलब पचती है। तो वैसे प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एसिमिलेशन की। तो ब्लड कैरी, अब एसिमिलेशन क्या हो गया? तो भोजन के अवशोषण करने के बाद, मतलब एब्जॉर्ब करने के बाद, उससे निचोड़ने की बात होती है। क्या चीज़? तो भोजन के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हो उसको निचोड़ने की बात, निचोड़ने की प्रक्रिया एसिमिलेशन कहलाती है। तो ब्लड कैरीज द एब्जॉर्ब फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या करता है? पूरे एब्जॉर्ब फूड को, यानी पूरे लिए गए फूड को वह बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाता है। द फूड देन इंटर्स ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। फिर फूड क्या करता है? तो बॉडी के ईच एंड एवरी सेल, हर सेल में पहुंचता है, वेयर इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, जहाँ इसका इस्तेमाल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में किया जाता है, एंड फॉर मेकिंग मटेरियल्स फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, और दूसरा मटेरियल बनाने के लिए। तो अब हम लोग डिफिनेशन बताते हैं कि क्या डिफिनेशन देंगे। तो बोलेंगे यहाँ पर द प्रोसेस इन विच, यानी वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसमें एब्जॉर्ब फूड बॉडी सेल्स के द्वारा ली जाती है एंड यूज्ड, और उसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। तो वैसे प्रोसेस को एसिमिलेशन कहा जाता है। अब उसके बाद आता है इगेशन। द होल फूड विच वी ईट इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाय आर बॉडी। अब होता क्या है कि इस बीच कुछ भोजन ऐसे होते हैं, यानी कि जितने भोजन हम लोग लेते हैं वो हमारे बॉडी के द्वारा नहीं डाइजेस्ट होते हैं। तो क्या होता है कि पार्ट ऑफ द फूड विच ई ईट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, यानी फूड का वह पार्ट जिसे हम लोग खाते हैं रिमेन अनडाइजेस्टेड, वह अनडाइजेस्टेड हो जाता है, अपचा रह जाता है, अनपच रह जाता है, विच कैन नॉट बी यूज्ड बाय द बॉडी, जो बॉडी के द्वारा यूज नहीं किया जा सकता है। दिस अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फेसेस। और तब ये अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं। किसके थ्रू? किस रूप में? इन द फॉर्म ऑफ फेसेस, मल के रूप में। किस रूप में? फेसेस मतलब मल के रूप में। वेन वी गो टू टॉयलेट, जब हम लोग टॉयलेट जाते हैं, तो अब हम लोग कह सकते हैं डिफिनेशन क्या होगा। द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड, वह प्रोसेस जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव होते हैं, इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। किसके थ्रू? तो बॉडी से। तो वह प्रोसेस क्या कहलाता है? इगेशन कहलाता है। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।